खबर दे मीनू शरू फरोज से मंजूर मलिक के मुताबिक डी आई जी शहीद बनीजराबाद रीजन ऑफिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब परवेज अहमद चांडी साथ में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अली हैदर बखियो और पुलिस कांस्टेबल सैयद मुश्ताक शाह को बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर तारीफी असनाद और 5,000 रुपये नकदी से भी नवाजा है। आपको बताते चलें कि जीतना सिंह जी डी आई जी शहीद मनीजराबाद परवेज अहमद चांडियों का मजीद कहना था कि आइंदा भी दौरान ड्यूटी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों का इनाम से नवाजा जाएगा। खबर दें आपको अजहर ताज कुरेशी की रिपोर्ट के मुताबिक आई जी पंजाब ने जेर इलाज जवानों की आयादत की इनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने नौजवानों की बहादुरी पर इनको खराज तहसीन पेश किया। आई जी पंजाब ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि जेर इलाज जवानों को हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। आई जी पंजाब ने मीडिया को गुफ्तगू में कहा है कि हमारे जवानों की दहशत गर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए इनको पसपा करके हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना और इनके हमले को पसपा करने पर तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम को कायम नहीं होने देंगे। 7 जवान जख्मी और जिनमें से 3 जवानों का ताल्लुक एलिट फोर्स मुल्तान से है, जो निश्तर में जेर इलाज नौजवानों में ASI इमरान कॉन्स्टेबल शाहिद मंजूर और मोहम्मद तारिक भी शामिल हैं। खबर ने बाप को मोरों से जहाँ पे सिंधी अल्ताफ सोमरों की रिपोर्ट के मुताबिक जीतना सिंह एक रोज़ा फी मेडिकल कैंप तारीख 1 मई 2024 बरोज बुध 10 बजे दोपहर 2 बजे तक मोहम्मदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बांधी रोड मोरों में मोहम्मदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मोरों के CEO मोहम्मद याकूब तुर्क की निगरानी में लगाई गई। इसकी एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर जाकिर नवाज MBBS RMP FCPS माहिर इमराज डायबिटीज मैदा और जिगर ब्लड प्रेशर फालिज दायमी खांसी और इसके अलावा TB और इसके अलावा दीगर हड्डियों के दर्द के स्पेशल इनके अलावा रोज़मर्रा मेडिकल कैंप में डॉक्टर आमिर भट्टी MBBS और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि इस पर मेडिकल कैंप की पावर प्लस न्यूज़ ब्यूरो चीफ नेशनल प्रेस क्लब मोरो के फैक्ट्री और मोरो फिनिक्स सिंधी अल्ताफ सोमरों ने भी भरपूर कवरेज की है। खबरें सिंधी अल्ताफ सोमरों के मुताबिक अस्पताल मोरों में डॉक्टरों नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अलामती भूख हड़ताल मुतलका पुलिस मोरों में आने वाले मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुजाहिरीन ने मजीद कहा है कि अगर चोरों को गिरफ्तार ना किया गया तो हमारा लूटा हुआ सामान वापस ना किया गया तो पूरे सिंध के साथ अस्पतालों को ताले लगाकर शदीद एहतजाज करेंगे। हम जनरल आसिफ मुनीर सिंध हुकूमत के आला हुकाम और दीगर से मुतालबा करते हैं कि बहलानी अस्पताल के अमले के साथ इंसाफ किया जाए, चोरी शुदा माल भी। खबरें भावनगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक पट्टू के मुताबिक डहरावाला की मंडी मवेशियों में कार सवार 4 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने धावा बोलकर फायरिंग करते हुए खौफ हरास फैलाकर गन पॉइंट पर चारों जानवरों की खरीदारी के लिए आए व्यापारी अफराद से लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। व्यापारी जानवरों की खरीदो फरोख्त में मशरूफ थे कि अचानक आपको बताएं कि खलबली मच गई। नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने बुरेवाला से आए हुए व्यापारी मोहम्मद हसन समेत दीगरों को यके बाद दीगर गन पॉइंट पर लूटा और मंडी में मौजूद दीगर अफराद को लाखों रुपए मालियत की कीमती मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। मंडी भावदीन में मौजूद शहरियों ने बताया कि पुलिस को 15 पे कॉल की लेकिन कोई हसबे मामूल 2 घंटे लेट पहुंची है। उन्होंने मुतालबा किया कि सर्कल चिश्तियां में होने वाली वारदातों को फिलफौर रोका जाए। खबर ने बाप को जितना सिंह ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक नुशहर फरोज बाईपास के करीब गांव बुढ़ल शाह के रिहायशी मोहम्मद लाइक सोलंगी ने अपनी बेटियों और मासूम बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज कबल मुलजिम समीर सोलंगी हसन सोलंगी ने मेरी बेटी नायला सोलंगी को जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की लेकिन मेरी बेटी ने पड़ोसियों के घर में घुसकर जान बचाई। उन्होंने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ थाना नुशहर फरोज में मुकदमा दर्ज है लेकिन बादशाह मुलजिमान ने अदालत से जमानत करा ली और पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुलजिमान ने मेरे और मेरे भतीजे मोहम्मद सोलंगी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जो बड़े नाइंसाफी है। मुलजिमान सरेआम घूम रहे हैं और मुकदमे से तर्जों के हाथ नहीं उठा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि लड़की को जबरदस्ती अगवा करने और जान से मारने की धमकियां देने वाले मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। खबर ने आपको सांगर से ब्यूरो चीफ है इब्राहिम खिलजी के मुताबिक आपको आगाह करें कि SSP सांगर इजाज अहमद शेख की जानिब से मंशियात फरोश और जाए पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। SHO सांगर गुलजार अली मरी ने मीरपुर खास बाईपास के नज़दीक के दौरान पेट्रोलिंग एक मुशतबा शख्स को रोकने का इशारा किया जिस पर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। इसके फरार होने की कोशिश पुलिस ने नामालूम मकाम पर बनाते हुए गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 1 TT पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। एक और कार्रवाई में सांगर पुलिस ने जवां जुए के अड्डे पर छापा मार के 8 जवारियों मोहम्मद मुस्तफ़ा बिलाल मुरीद हसन मुमताज और इसके अलावा दीगर को गिरफ्तार किया है। दाव पर लगी 3,000 रुपये की रकम और ताश के पते भी बरामद हुए हैं। SHO तलका मोहम्मद आजम भगवान ने आपको बताएं कि दिलशेर थीम और इर्शाद थीम के गोदाम पर छापा मारा और इसके अलावा बताएं कि 2,37,060 पुड़ियाँ मोजरे से गुटखा बरामद किया है और 170 लीटर शराब बरामद की है और 3 जवारियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे पर दाव पर लगी 25,000 रुपये की रकम भी बरामद हुई। 21 कैदियों को आज़ाद करवाया है और इन अफराद में 6 मर्द 7 खातिन और 8 बच्चे शामिल हैं और कत्ल डकैती राहजनी और पुलिस मुकाबला संगीन नतज के 4 मुकदमात मतलूब और मुलजिम अरबाब मक्सी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितना जी अब आपको खबर देते चलें सांगर से जहाँ पे पावर प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राणा शाहिद खलील की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें
जितना सिंह दुखी आपको बताते चलें कि दुखी मुगल से सिंध पाकिस्तान के मरकज चेयरमैन खालिद जहूर बेग की सदारत में बेग हाउस में शदादपुर आपको बताएं कि बिगड़ती हुई सूरत हाल क्राइम रेट में बतदरीज इजाफा, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और छीना, दुकानों और घरों में खाट लगाकर चोरों और चंद दिन भी आपको बताएं कि दामे कतल की हालिया दो कतल दिखाई गए हैं। कारोबार और इसके अलावा स्टेक होल्डर्स की अहम मीटिंग मुनक्द हुई जिसमें अंजुमन ताजरान के सदर हाजी गुलाम दस्तगीर, अवामी सद जिला सांगड़ के सदर अब्दुल हकीम और इसके अलावा दीगर ने आपको बताएं कि एहतजाज किया है और कहा है कि मुश्तर इलामी के मुताबिक हालिया जनरल इलेक्शन के बाद मुसलसल बदमली, लूटमार, चोरी, चकारी और हालिया कतल पर अफसोस और तशवीश के इजहार करते हुए सख्त अल्फाज और मजम्मत भी की है।